बालेश्वर निकट स्थलभाग स्पर्श कर तो बालेश्वर क्यों अंचल बालेश्वर अर्थात पश्चिमबंग आड़क ना बालेश्वर पछकू भद्रक आड़क क्यों स्थान में निर्दिष्ट भाव स्थलभाग स्पर्श करा के सुधा स्पष्ट हो गोटे बात्यार आकार पखापाखि 500 रु 700 किलोमीटर होता है यार जो सेंट्रल प्लेस तार आकार प्राय 50 रु 100 किलोमीटर डायमीटर होता है तेणु यार कौन अर्थ न था यह बालेश्वर तलकू जीव कि बालेश्वर उपरको जीव आम बालेश्वर एराउंड मान से एरिया मध्य यह उपकूल अतिक्रम कर किंतु यार प्रभाव समग्र ओडिशा रे विशेषतः उत्तर ओडिशा रे एवं पश्चिमबंग रे पड़िबो। डॉक्टर महापात्र जो कथा आपण कहले जे ओडिशा एवं पश्चिमबंग रे पड़िबो तार प्रभाव मध्य आम देखुचु जे वर्षा आसीगलानी एवं जो कथा पूर्वर कहा जाउथला वर्षार परिमाण संपर्क रे बा पवन रो वेग संपर्क रे ता सेही समान वेग समान परिमाण एबे भी स्थिर रही छि ना किसी कम बेसी वर्तमान आकलन करा जाउछि नाही जहां आम गत काली रु कही आसुछु से आम बजाय रखीछु जे जते बेले बात्याटी उपकूल अतिक्रम करिवो पारादीप एवं सागर आइलैंड मध्य एवं भुवनेश्वर एवं तार आखपाख अंचल यार केन्द्र उपकूल को अतिक्रम करते पवन रेग 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा एवं अति बेसी 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो पाए एवं जो भाई आम वर्षार पूर्वानुमान आगु करूँ ताद बजाय रखीचु जे वर्षा आज तो आरंभ हो जाए कि काली हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पाए कोस्टल जिला मानक उपकूल जिला मानक एवं धीरे धीरे यह आभ्यंतरण जिला को बढ़ 26 तारीख में बेसी वर्षा उत्तर ओडिशा रे हेबो एवं केतेक स्थान रे प्रबल अति प्रबल एवं अत्यंत प्रबल वर्षा जहाँकि 20 सेंटीमीटर अधिक वर्षा मध्य हो पाए 26 तारीख में 27 तारीख में आपंकर जो आभ्यंतरण जिला जमीक मयूरभंज सुंदरगढ़ केन्दुझर अनुगुल संबलपुर झारसुगुड़ा यह सब अंचल आपणकर हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल हो पाए। डॉक्टर महापात्र एक कथा कहा जाइथिला जे जो जो भली भाव रे पूर्वर कहा जाउथला जे संध्या बळ को 26 तारीख दिन स्थलभाग स्पर्श करबो एवं आज जो शेष अविशेष जो सूचना आसुचि जे मध्यान रे स्थलभाग स्पर्श करबो बोली तो मध्यान बोले निर्दिष्ट भाव रे कहा जाय पारिबो कि को समय रे दिन 12टा समय रे कहा जइबो एवं जो तार सर्वाधिक प्रकोप बात्यार जो सर्वाधिक पवन रेग एटा केते बेले ठारु आरंभ हेबो एवं केतेटा पर्यंत रहिबो के बात्या स्थलभाग स्पर्श करिवार केते समय पर्यंत रहिबो जेमिति मु कहिले बात्यार केन्द्र अंचल होची पाखापाखि 50 किलोमीटर डायमीटर रो तेणु बात्यार केन्द्रांचल स्थलभाग को अतिक्रम करने 3-4 घंटा लागि जाय थाए तेणु आम एराउंड नून कहुचु तेणु हुए तो नून रु किछ समय आफ्टरनून हो जाइपे कि नून पूर्व किछ समय फोरनून हो पाए एराउंड नून कहुच्छे सेमती एक्जाक्टली टाइम बताइबा संभवपुर नुहे किंतु यार प्रभाव सका पाखु 29 तारीख सका पाखु देखा मिल ओडिशा उपकूल में विशेषतः जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर जिले में अधिक प्रभाव देखा मिल 25 तारीख राति पर 60 रु 70 किलोमीटर मानने 25 तारीख मध्यरात्रि पर 60 रु 70 किलोमीटर और कस्टनेस 80 किलोमीटर पवन आपणकर यह सब जिला मानक देखा मिल पाए धीरे धीरे बढ़िकी जिते बड़े उपकूल अतिक्रम कर नून रस्ट पूर्वर एवं नून पर समय 3-4 घंटा आप 155 रु 165 किलोमीटर प्रति घंटा पवन रही पाए साधारणत तो, जिते बड़े बात्या उपकूल छुई था तार 6 घंटा आगु प्रबल वर्षा प्रबल पवन होता है उपकूल छुईबार 6 घंटा पर प्रबल वर्षा एवं प्रबल पवन लग रही था किंतु तापर जिते भितर को जाए यह धीरे धीरे दुर्बल हो जाए और पवन वेग कमी कि जेहेतु यहाँ उपकूल अतिक्रम करने बालेश्वर मयूरभंज ही आम आशा करूँ जामशेदपुर एरिया साउथ ईस्ट झारखंड को जीवार अच्छे तेणु पवन मयूरभंज जिले में 120 रु 130 किलोमीटर प्रति घंटा पवन मयूरभंज जिले में अनुभूत हो पाए और जामशेदपुर एरिया पवन अधिक रोब 100 रु 120 किलोमीटर पर्यंत किंतु यही पवन सबुठ अधिक हम से समय जिते बड़े कि 26 तारीख राति हम कि मध्यरात्रि हम।